एवरीवन आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करने वाले हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इनके रूट्स हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइंस व एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ठीक है 30, और सेकेंड हमारे पास वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी यानी एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस फोर और सेवन यानी एक्स की वैल्यू माइनस फोर और सेवन नहीं होगी इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री सबसे पहले एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री अब इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स हो जाएगा तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है हमारे पास क्वालिटी uh, फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यहाँ पर हमारे पास ए बी सी क्या है ए यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट यहाँ पर हमारे पास है वन बी यानी एक्स का कॉफिशियंट यानी कि माइनस का थ्री और सी हमारे पास है माइनस का वन अभी वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस का वन अपॉन टू ए यानी टू इंटू वन तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन फोर से माइनस वन को मल्टीप्लाई किया फोर बन जा फोर तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये माइनस प्लस फोर अपॉन टू वन जा टू. तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू ठीक है सो so, रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर रूट्स हमारे पास हो जाएंगे थ्री प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू और थ्री माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू ठीक है एक बार पॉजिटिव साइन लेकर और एक बार निगेटिव साइन लेकर हम दोनों रूट्स प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई अब इसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी यहां पर हमने एलसीएम ले लिया इसका एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस फोर इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी ठीक है अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन में भी हम एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर फोर माइनस सेवन माइनस का थ्री यानी माइनस का थ्री एक्स और फोर सेवन ज्वेंटी एट ठीक है एक्सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी आगे इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है यहाँ पर हम देखें से x से एक्स कैंसिल हो जा रहे हैं माइनस सेवन और माइनस फोर ये आ जा रहा है हमारे पास माइनस का इलेवन अपॉन एक्सी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस का ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इलेवन से इलेवन कैंसिल हो रहा है तो इलेवन से इलेवन को कैंसिल कर दिया वन बार तो हमारे पास आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा थर्टी से माइनस वन को मल्टीप्लाई करा माइनस का थर्टी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट से वन को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट ठीक है माइनस थर्टी को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी या फिर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स थर्टी माइनस ट्वेंटी एट करेंगे तो प्लस का टू इक्वल टू

माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू अपॉन टू ए यानी टू एंटू वन तो एक्स इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस हो गया तो थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर यानी नाइन और फोर टू जाट यानी टू वन जा टू एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस एट वन और वन का स्क्वायर रूट वन अपॉन अब हम यहां पर एक एक करके साइन लेंगे यानी एक एक बार एक बार पॉजिटिव साइन साइन नेगेटिव तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव साइन लिया तो हमें मिला एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू यानी हो गया हमारे पास टू और एक बार निगेटिव साइन लिया तो x इक्वल टू हमें मिला थ्री माइनस वन अपॉन टू यानी टू अपॉन टू यानी कि वन सो रूट्स हमारे पास आ गए टू एंड वन तो इस फॉरिटी इक्वेशन के रूट्स हमारे पास है टू और One. तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो जाता है थैंक यू सो मच